भोपाल में सीएम शिवराज ने खरीदा तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराएंगे सीएम शिवराज। 13 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान। मध्य प्रदेश में पदयात्रा को लेकर तैयारी में जुटी प्रदेश कांग्रेस, 9 से 15 अगस्त तक निकाली जाएगी पदयात्रा। कांग्रेस ने पार्टी के बड़े नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी, दिग्विजय को ग्वालियर तो कांतिलाल भूरिया को सागर की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने बीजेपी पार्षदों के साथ की बैठक, सभी को बीजेपी का सभापति बनवाने का दिलवाया संकल्प। हरियाणा के रेवाड़ी में रुके हैं बीजेपी के 34 पार्षद। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, प्रदेश में जल्द हटने जा रहा तबादलों से बैन, सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार कर लिया है प्रपोजल। मध्य प्रदेश में फिर उठी जगह का नाम बदलने की मांग, बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा ने की इकबाल मैदान का नाम बदलने की मांग। सुरेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। भोपाल में असली किन्नर ने की नकली किन्नर की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का यह वीडियो, श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र का मामला। मध्य प्रदेश में सरकार ने वक्फ बोर्ड में नियुक्ति कर दी है, भोपाल के सनवर पटेल, महबूब हुसैन और इंदौर के इनारुर रहमान को बनाया गया सदस्य। श्योपुर में पिछले 3-4 दिनों से जंगल में 75,000 रुपए के इनामी बदमाश गुंडा गुर्जर के गैंग की मूवमेंट होने की खबरों के बीच एसपी आलोक कुमार सिंह ने जंगल में किया सर्च ऑपरेशन। राघवजी कॉलोनी के रहने वाले 18 वर्षीय युवती को एक महिला ने प्रसाद में जहर दे दिया, इसके बाद उसकी तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया, बाद में महिला की मौत हो गई। ग्वालियर में रिश्ते को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया, चाचा ससुर और पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखकर लोकलाज के कारण खुद को लगा ली फांसी। अलीराजपुर में आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा को लेकर उदयगढ़ में स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा जागरूकता रैली, हर घर तिरंगा लहराने के लिए लगाए नारे। जिला मुख्यालय उमरिया पर बाल अधिकार कार्यशाला का हुआ आयोजन, कोविड काल में बच्चों के मोबाइल एडिक्शन, रचनात्मक शिक्षा विषय पर हुई चर्चा। बस्तर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बीते 4 दिनों में संक्रमण दर 6% के पास पहुंची, कोरोना संक्रमण के 100 से अधिक मामले सामने आए। अलीराजपुर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर गिरा बाइक सवार, हादसे में एक की मौत, दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बड़वानी में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रेवा कुंज जॉगर्स टीम समेत भारत स्काउट टीम ने निकाली बाइक रैली, 13 से 15 अगस्त तक घर पर तिरंगा लगाने की अपील। कांकेर में प्राकृतिक आपदा राशि बांटने में गड़बड़ी का खुलासा, 10,52,000 रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी आई सामने, कलेक्टर ने तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। शिवपुरी में गहरे गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत, शराब पार्टी के बाद गड्ढे में नहाने उतरे थे 3 दोस्त, एसडीआरएफ की टीम को मिली एक दिन बाद शव। रायगढ़ में हुई बीजेवाईएम की अहम बैठक, चलबो रायपुर मांगबो रोजगार आंदोलन पर हुआ मंथन, 5 अगस्त को तहसील कार्यालय के घेराव और धरना पर भी हुई चर्चा। दमोह में आधारशिला संस्थान ने लगाया निशुल्क सर्जरी कैंप, स्वास्थ्य शिविर में की गई कटे फटे होंठ और जीभ की 35 सर्जरी। राजनांदगांव में पीआर फ्लेक्स और चंदू फ्लेक्स दुकान में आयकर विभाग की छापेमारी, आईटी टीम ने लेनदेन संबंधी दस्तावेजों की जांच की। बिलासपुर में शनिचरी में बने स्वागत गेट को हाईवा ने मारी टक्कर, टक्कर के कारण स्वागत द्वार का नीचे का हिस्सा टूटा, गेट के टूटने से यातायात प्रभावित। विदिशा में डैम में डूबने से युवक की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान चलाकर खोजा युवक का शव, सिरुंज तहसील के कुलुआ गांव की घटना। मिशन 2023 में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी, रायपुर में बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक में हुआ मंथन, संगठन महामंत्री अजय जामवाल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। महासमुंद नगर पालिका के चुनाव परिणाम घोषित, कांग्रेस की राशि महिलांग ने बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश चंद्राकर को हराया, राशि महिलांग को मिले 19 वोट, चंद्राकर को मिले 11। हर घर तिरंगा अभियान से छत्तीसगढ़ की महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के नए अवसर मिले, उजाला गांव संगठन की 30 महिलाएं दिन रात तिरंगे का निर्माण कर रही। केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को रायपुर के अंबेडकर चौक में कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शन के बाद राजभवन का कांग्रेस करेगी घेराव, प्रदर्शन में सीएम बघेल के साथ कई नेता होंगे शामिल। रायपुर में बदमाश ने किया 7 साल के बच्चे पर चाकू से हमला, घटना सीसीटीवी में कैद, अपहरण की कोशिश की जताई जा रही आशंका।
दुर्ग के अमलेश्वर थाने में अपर कलेक्टर तनुजा सलाम की गाड़ी को रोकने पर हुआ विवाद, थानेदार और पुलिस कर्मियों पर उनके भाई के साथ शराब के नशे में अभद्रता करने का लगा आरोप। जशपुर के तपकरा में हाथियों का आतंक लगातार जारी, हाथियों ने 5 घरों में को तोड़फोड़, फसलों को भी पहुंचाया भारी नुकसान। रायपुर में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी बैठक में हुए शामिल। बड़ौदा बाजार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों के सामने आई लापरवाही, स्वास्थ्य केंद्र से एक मरीज के गायब होने के बाद लाश पेड़ से लटकी मिली। बेमित्रा में संरक्षित शमशान भूमि में शवदाह गृह का निर्माण न करवाने पर हाईकोर्ट का निर्देश, हाईकोर्ट ने उसकी जगह को बदलकर दूसरी जगह निर्माण करवाए जाने पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ में मानसिक रोगियों को इलाज न मिल पाने और मानसिक चिकित्सालय में स्टाफ की कमी पर राज्य शासन की ओर से जवाब न देने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया नोटिस, अगली सुनवाई 21 सितंबर को। बिलासपुर में रतनपुर मार्ग पर शनिचरी में बने स्वागत गेट को हाईवा ने मारी टक्कर। कांकेर जिले में फिर से बढ़ने लगे कोरोना संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आंकड़े, जिले में कुल 34 संक्रमित, जंगलवार कॉलेज के 17 जवान भी संक्रमित। गरियाबंद के रिजर्व फॉरेस्ट इलाके में बसे गांव में बिजली के विकल्प में लगाया गया सोलर सिस्टम, मेंटेनेंस का जिम्मा क्रेडा विभाग के पास। कोरबा में कोथारी के पास ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, उर्गा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रेलवे मार्ग की घटना, मौके पहुंची आरपीएफ जांच में जुटी। कोरबा जिले में कम बारिश को लेकर क्षेत्र के निरीक्षण पर तानाखार पहुंचे कलेक्टर संजीव झा, सूखते खेतों को देखकर किसानों की बातचीत। बालोद में 3 दिन पहले एक दंतैल हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत के बाद हाथियों के खतरे को देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट जारी किया। रायपुर शहर में 17 अगस्त को ओलंपिक संघ बॉक्सिंग कंपटीशन का इंडोर स्टेडियम में होगा आयोजन, आयोजन के लिए पहला न्योता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया गया।